जिस प्रकार की बेचैनी उन्होंने, जिस प्रकार का दुख उन्होंने प्रकट किया था कल वाले पोस्ट में, कि वो जो जहरीला इंसान मोगहिया जवान, चूंकि मगहिया तो उसको कह नहीं सकते, मोगहिया ही वो है, क्योंकि वो छुप छुप करके वो वार करता है, कभी सामने कभी आता नहीं है। तो उस मुद्दे पे क्या हो रहा है, क्या वो करना चाहते हैं, किस लेवल का लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, और कहां तक उन्हें सपोर्ट या समर्थन की जरूरत है। क्योंकि बात अब सिर्फ खेसारी लाल यादव जी तक नहीं रही, बात खेसारी भैया के पेज से जो पोस्ट किया गया उसमें खेसारी भैया की बेटी और उनकी बीवी की रेप करने की बात तक पोस्ट की गई। तो क्या वो पोस्ट रियल में खेसारी भैया का ही वो शब्द था उस पोस्ट में, या उनके मैनेजर वगैरह कुछ बढ़ा चढ़ा करके पोस्ट की? अब यदि वो पोस्ट का शब्द रियल में खेसारी भैया का था तो फिर खेसारी लाल यादव जी के मुख्यमंत्री से आग्रह के बाद, बिहार प्रशासन से आग्रह के बावजूद 24 घंटे के अंदर उस जहरीले इंसान की गिरफ्तार करने की आग्रह की गई थी, उसके बावजूद उस जहरीले इंसान की गिरफ्तारी नहीं होना, उसके बाद कहीं ना कहीं खेसारी भैया के टीम का जो हम देख रहे हैं रास्ता, वो डाइवर्टेड नजर आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो लड़ाई है क्या